to Nor Soupy Noodles DID Little Masters Limelight. Return of Dance Kebab. पूरी दुनिया जिन्हें डांस के बाप के नाम से जानती है, जो मंच पर आते हैं तो हर चेहरा खिल उठता है, वो सुबह से शाम तक क्या क्या धमाल मचाते हैं देखिए जरा। एक कहानी खत्म, एक मिनट बाद में आना। शुरू हो गई मामू के, उठो ना मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, जाना नहीं है बेटा, मैं नहाने जा रहा हूँ, बाद में मिलते। मम्मी भी नहीं थे। ओपन कर लो। अभी स्पेशल भैया और ऋषि भैया नहा रहे हैं उनके टॉवल पे। सब कुछ करो। ग्रैंड मास्टर ने जो बोला है, लेकिन सबके मार्क्स कटने वाले हैं। ये असर है ग्रैंड मास्टर की क्लास लेने का, नहीं तो ये कभी दूध नहीं पीती थी। पहले वो खाना स्लो खाता था, बट जब से ग्रैंड मास्टर ने बोला है तो खाना सही से खाने लगा है, बट ब्रेड और केले खाने में अभी प्रॉब्लम कर रहा है। ये मैं आज खत्म करके रहूंगा। परोठा खाने के लिए उसको आधा घंटा तो मिनिमम लगता है। आंटी ने सच बोला, ये आधा घंटा लगाती है। कुछ कुछ ना कहते, मेरा तो दो पराठे खत्म होने वाला था, अभी खाने वाला हूँ दो पराठे। अभी ग्रैंड मास्टर का बोलने का बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ गई। हमारा नाश्ता हो गया और अब हम रिहर्सल हॉल जा रहे हैं। ओके बाय। अभी तक तो खाना ही खाई, खाना ही खा रही हूँ, खाना ही खाती हूँ। मेरे दो दांत है ना, इसके लिए थोड़ा मेरा खाना लेट होगा। दस बज चुके हैं, अभी तक बच्चे नहीं आए, क्या करूं, सुबह से वेट कर रहा हूं। बच्चों के आने का टाइम हो चुका है, डांस के साथ साथ हम बेबी सिटिंग भी करेंगे, तो बच्चे भी आएंगे और हम रिहर्सल शुरू करेंगे। जहाँ तीनों टीम्स रिहर्सल्स में मग्न हैं, वहीं पल्टन की रिहर्सल्स का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। कहीं आज स्किपर प्रिंस नहा कर तो नहीं आने वाले हैं? अभी 11 बज गए, अभी तक प्रिंस सर नहीं आए। देखते हैं कि इतने देर प्रिंस सर घर में टिके रहते हैं। हमारा वार्म अप खत्म हो गया और अभी हम रिहर्सल करने वाले हैं। बाय बाय। स्वागत है प्रिंस भैया की पल्टन में। आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रिंस भैया शायद आज नहा रहे हैं।
ग्यारह बज गए, 11 से 12 बज गए, लेकिन प्रिंस भैया अभी तक अपने हॉल पर नहीं आए। देखो बच्चे कैसे प्रिंस भैया की राह में क्या क्या कर रहे हैं। देखो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 बजे से 1:10 हो चुके हैं, मतलब 3 hours and 10 minutes, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होने वाली चीज़ है आज, क्योंकि अभी तक हमारे ओम छेत्री ने पादू नहीं की है। शाहिद भैया और प्रियंका दीदी में से हमें मिलने के लिए आए थे, हम लोग ने उनके साथ बहुत मस्ती किया और ढेर सारे बातें भी किए, डांस भी किए। आपको भी वो देखना है, अभी देख लो। देखो मैं कितना सज धज के आया प्रियंका दीदी के लिए और शाहिद कपूर के, और सज धज के निकल मेरे रामा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं प्रियंका मैम और शाहिद जी से मिलने वाला हूँ। स्पेशली प्रियंका दीदी के लिए लड़की बनाऊं। मैं शाहिद भैया के लिए स्पेशल साउथ इंडियन उनको डांस करने वाली हूँ। उनके लिए मैंने स्पेशल चोटी बनाई हूँ। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि इन इतने बड़े स्टारों से मैं मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शाहिद भैया और प्रियंका दीदी को देखने के लिए। हम शाहिद भैया के साथ ओपनिंग एक डांस करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली है क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। प्रियंका मैम कभी आएंगी? कभी आएंगी? और शाहिद कपूर भी कब आएंगे? जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। छोटा है दिल में और वो इतने प्यारी सी और बहुत खुश हो गए हम शाहिद भैया का प्रियंका दीदी के साथ। प्रियंका दीदी का साथ मैंने देसी गर्ल के लिए डांस किया। शाहिद भैया और प्रियंका दीदी हमारे साथ वॉक कर रही थी तो रजनीकांत वाला उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ शाहिद भैया ने डांस भी किए, बहुत अच्छा डांस करते हो। मैंने टीवी पर देखा था बस, आज सामने सामने देख लिया। So many talented children out here. It's always a pleasure seeing children do so well for themselves. I think it's a very nice platform. और अच्छा मौका है बच्चों के लिए अपना टैलेंट दिखाने का, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता है। I think they're very naughty. और मैं जितनी ज़्यादा शर्मा रही थी उतने ज़्यादा मुझे एकदम बुली कर रहे थे। So yeah, it was a lot of fun. बिल्कुल फ्रेंड की तरह हमारे साथ बैठे थे, बिल्कुल फ्रेंड के साथ हम उनसे बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते, लग नहीं रहा था कि इतने बड़े स्टार हमसे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत कल खुशी हुई। आई थिंक डीआईडी के जो बच्चे हैं वो, मैं बहुत शॉक हो गई थी कि इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस सबका रहा, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे थे और इतने यू नो ईजी एंड एट द सेम टाइम इतने टैलेंटेड। आई वॉज वेरी अमेज। I just want to wish all these kids all the best. I think sab itne talented hain. I wish they go ahead. So all the best to all of them. Tu kitna khata hai, itna mat kha, warna tu chhodega na bombastic performance. Doctor banne ke liye kya karna padta hai? Beta, doctor banne ke liye bahut padhai karni padti hai. Assam ke na
चीफ मिनिस्टर कौन है? Wonderful performance, Faisal. Well done. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome back to North Soupy Noodles. DID Little Masters Limelight. Return of Dance Kebab. छोड़ेगा ना बॉम्बास्टिक परफॉर्मेंस, फिर हम लोग को झेलना पड़ेगा। मैं खत्म करूंगा आज पहले, श्रेया से पहले। मैं पहले खत्म करूंगी क्योंकि वो तीनी वाटी लिया है इसके। गर्मस्ता, मैंने अभी पूरा प्लेट भर दिया, आप मुझे भर भर के पॉइंट दे दो। ये राज मैं भी पता करना चाहता हूँ, पिछले तीन हफ्ते से देख रहा हूँ श्रेया जितना स्लो खाती है, अगर उसको राघव को साथ बिठा दिया मैं फॉर श्योर गारंटी, तो राघव तो हार ही जाएगा। इतनी बुरी तरह हारेगा कि उसका स्लो मोशन फेल हो जाने वाला है, क्योंकि स्लो मोशन खाने में श्रेया का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और श्रेया, जब आपका खाना हो जाए तो हमको उठा देना, ठीक है? बाय श्रेया। अब हमारा खाना पानी हो गया, अब हम सोने जा रहे हैं, तो हमको डिस्टर्ब ना करना क्योंकि अभी पूरा सो जाएंगे ठीक से। तो बाय बाय। लंच के बाद इनकी रेस्टिंग पीरियड होती है तीनों की, और सब खूब अच्छे से सो जाते हैं, आराम करते हैं। और अब इनका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया, अब इनको मुझे जगाना है और ये मुझे फिर से एक घंटा सताएंगे जागने के लिए। सो लेट्स सी। खाने पीने और प्रॉपर आराम के साथ साथ हर हफ्ते हर एक लिटिल मास्टर का रेगुलर चेकअप कराया जाता है। यहाँ पे तो हम हर हफ्ते आते हैं, लेकिन हम लोगों तो फिट रहना पड़ेगा, इसलिए चलते हैं आज। चलो इंजेक्शन पड़ेगी। वो डर लग रहा अंदर जाने के लिए, ऐसा लग रहा ऑडिशन देने जा रहे हम लोग। कई सारे बच्चे डांस के कंटेस्टेंट्स हैं, हम इनको हर हफ्ते एग्जामिन करते हैं, चेकअप करते हैं। डांस करते समय थोड़ी बहुत चोटें लग जाती है या खांसी सर्दी बुखार हो जाता है, उसके लिए हम ये बच्चे हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भैया डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। आसाम के ना चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको पता नहीं तो मैं बोलूं? हाँ बता दे। आसाम के चीफ मिनिस्टर है तरुण गोगोई। चश्मा कब से लग गया आपको? चश्मा नहीं है, ऐसा स्टाइल है। डॉक्टर अंकल, आप जब चेक करते हो तब आप क्यों नहीं हंसते? अगर हम चेक करते समय हंसेंगे तो हमको इसमें कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनाई दे रही है? क्या? हार्ट बीट। अब हमारा चेकअप हो गया है और हमें डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई है कि हमें क्या खाना है और दवाइयाँ वाइया दी है, और अब हम जा रहे हैं रिहर्सल और वापस अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। चलो लास्ट वीक जब शिवमा और श्रेया आउट हुए थे तभी सबको बहुत बुरा लगा था, बहुत मतलब बहुत। आप भी देखो आप कितना बुरा लगा, आप सबको कितना बुरा लगा होगा, आप भी देख लो। शिवम एनिमेट हो गया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। बस का लक नहीं था, पर वाइल्ड कार्ड एंट्री में जरूर आएगा कि वो बहुत अच्छा फ्रेंड था हमारा और वो डिजर्व करता था अंदर आने के लिए।
श्रेया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे बहुत गरीब थी और मीन्स हम लोग खाना भी एक प्लेट में खाते थे, डांस भी शेयर करते, जो भी करना था हम लोग शेयर करते थे। बुरा लग रहा है क्योंकि हम साथ साथ प्रैक्टिस करते थे और साथ साथ मस्ती करते थे, तो भाई तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे यहाँ पर इतने सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरे स्कीपर आए प्रिंस भैया और मैं ग्रैंड मास्टर जजेस सबको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ आज जब शिवम को एलिमिनेट किया गया। आज आई थिंक उसका कोरियोग्राफी जो नीरव ने उसके लिए किया था वॉज नॉट गुड इनफ टू गो फॉर अ ट्रायल राउंड। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलती मेरी है, इसने परफॉर्म किया है वो, कहीं इसका राउंड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद ये बच जाता। वादा करता हूँ कि वाइल्ड कार्ड में हम ऐसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, वापस कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। अलग अलग शैली है सबकी, अलग अलग परफॉर्मेंसेस थे, किसी ने कंटेम्प्रेरी किया, किसी ने क्लासिकल किया, और जो ये करती है तो वैसे भी कोई नहीं करता, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर इट, बट शी विल बी बैक एंड शी विल मेक मी प्राउड अगेन। ऑब्वियसली कहीं कोई कमी रही होगी, बस थोड़ा दुख इस बात का है कि अभी ये अपना 10% भी नहीं दे पाई यहाँ पे, जो जो इसको फॉर्म्स आती हैं, और अभी और थोड़ा सा रहती तो सब कुछ दिखाने का इसको मौका मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक आए बहुत बड़ी बात है। वापस आएगा वाइल्ड कार्ड इंटर में, जरूर वापस आएगा शिवम। शाम तक बिताना बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो हम लोग सब यहाँ बाहर बेंच पे बैठ के हम लोग वेट कर रहे होते हैं बच्चों का। दादा वो आ पीछे क्या करूं मैं, क्या करूं, देखो जल्दी करो। सब चीज ग्रैंड मास्टर मुझे शायद बोलेंगे कि तुम और भी खाओ खाना, लेकिन मैं इतना ही खाऊंगी क्योंकि मेरे मैं थोड़ी हेल्दी होना इसलिए। Outstanding performance. Welcome back to North Soupy Noodles, DIT Little Masters Limelight. Return of Dance Kebab. आज हमारा रिहर्सल बहुत अच्छे से चला और बहुत मस्ती किया और बाय गुड नाइट, अभी हम बंगलो पे जाने वाले, बाय। फॉलो मी इजी फ्रॉम चोपा। बाय यो मया ला 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 चल घूमे आज रिहर्सल करके बहुत थक गए, सब सोए पड़े हैं, इतने थक गए देखो बेचारे बच्चे, मैं भी सो रहा हूँ तो गुड नाइट। दिन भर थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन हर शाम झूमती मुस्कुराती हुई इनके गले लगती है। शाम तक बिताना बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो हम लोग सब यहाँ बाहर बेंच पे बैठ के हम लोग वेट कर रहे होते हैं बच्चों का, और जब मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब ये जाते हैं यहाँ से सुबह मॉर्निंग में रिहर्सल पे, तो दिल नहीं लगता है, और जब आता है तो बहुत खुशी होती है इसे देख के। अच्छा नहीं लगता है, बच्चे अगर ना रहे तो घर में अच्छा नहीं लगता है, बाहर बैठ कर सोचती हूँ कि क्या कर रहा है, ठीक से कर पाया है कि नहीं। सारा दिन तो इधर उधर कर रहता है, कभी कभी छुट्टी हो जाता है तो इधर जाता है उधर जाता है, सारा मोहल्ला गर्म रहता है उम्र में से, दिन में तो सुनापन रहता है, बोर लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने दिन भर कितनी मेहनत की है, जहाँ भी जमा होते हैं, जब भी जमा होते हैं, धमाल शुरू हो जाता है। हम वो छोटे बच्चों की तरह इधर उधर घूमते उमते नहीं है, हम यहाँ पे आके ब्यूइंग बैटल करते हैं, स्टंट्स करते हैं। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो हम सबको बहुत भूख लग रही है कि हमने बहुत मस्ती करी है, तो हम फटाक से खाना खा के वापिस आते हैं। बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना खोले यार, बड़ी भूख लगी है। मैंने तो हर चीज ली
सोचती नहीं हूँ। दादा वो और पीछे क्या कर रहे हो, देखो जल्दी देखो। क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए ग्रैंड मास्टर मुझे शायद बोलेंगे कि तुम और भी खाओ खाना, लेकिन मैं इतना ही खाऊंगी क्योंकि मेरे मैं थोड़ी हेल्दी हूँ ना इसलिए। तो मैंने अपने बच्चों को सुला दिया है, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप भी सो, मुझे भी सोने दो, बाय।